आप खास हैं कि दास हैं? खास है। हम तो समझ रहे थे लेकिन पूछे मैंने खास माने, खास माने मतलब आप भगवान हैं कि भगवान के दास हैं? मैं दासों के दासों का दास हूं, मैं डायरेक्ट दास भी नहीं हूं, लाखों पीढ़ी नीचे का दास हूं, दास बनना चाहता हूं। तो लेकिन ये तो अज्ञान है, ईश्वर होकर के आप अपने कोई दास कहें, इतना ही नीच अपने को हीन कहें तो ठीक नहीं। जो समझाने लगे, हम लोग अपने ढंग से समझाने लगे गीता के वाक्य द्वारा, वो कुछ भी नहीं समझ रहा था, एकदम नहीं समझ रहा था। तब हम चुप हो गए, हम कहे कि इससे बोलना बेकार है। अब श्याम सुंदर दास पढ़े समझाने पर तो वो अब इनकी बोली को बंद करने लगा, कुछ भी कहते थे सुनता ही नहीं था, बोलता रहता था। तब ये कहे पहले आप 15 मिनट हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए, तो वो कहता हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं पहले कीर्तन कीजिए, कीर्तन करेंगे तब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी और तब कृष्ण को समझेंगे। वो मान ही नहीं रहा था, वो बहस करता था। तो मैं कहा ना कि 15 मिनट पहले कीर्तन कीजिए, कीर्तन के पहले आप कुछ नहीं समझेंगे। तो वो क्या करे, अब वो 15 मिनट कीर्तन किया, करताल पकड़ाया गया उसको और बोला हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन किया 15 मिनट, घड़ी देखी जा रही थी करके, और फिर बोलना चालू किया। तो सब सुंदर दस कह आपके लिए कम पड़ गया कीर्तन, अभी फिर 15 मिनट किया 15 मिनट किया। तो सचमुच को 15 मिनट और कीर्तन किया और इसके बाद बहस करना छोड़ दिया। तो भोजन का टाइम आ गया, आरती होने लगी, आरती के बाद भोजन हुआ, तो आरती में भी खड़ा रहा, तो खड़ा था और नाम भी गा रहा था क्योंकि अच्छा दवाई दिया इसके बाद बहस नहीं किया, स्वीकार भी नहीं किया होगा हम लोगों की बात, लेकिन अब बहस नहीं किया। वो कुछ बहस करना चाहता तो बोलता तो अभी आपकी ऐसे जबरदस्ती करब जा, नहीं जबरदस्ती नहीं है ये, आप दवा दिए वो आते ही रहते थे हम लोगों के मंदिर पर, लेकिन अब बहुत वर्षों से भेंट नहीं है तो जो कट्टर मायावादी हैं और निर्विशेषवादी, उन लोगों को एक बार ब्रज में जाना चाहिए, सावन में चाहे कार्तिक में या फागुन में। फागुन में जाएंगे जब नख से सिख तक रंग में बोरे जाएंगे, तब ध्यान होगा कि वो है प्रेम जगत में सार और कुछ सार में वैसे तो जहाँ तहाँ बहुत बहस, बस ध्यान करो ऐसे लोग बोलते हैं, ध्यान करो। अब जप आदि टाइम से नहीं करना, नहीं आरती में भाग लेना है, भगवान को प्रणाम नहीं करना है, बस टाइमिंग टाइम से काम क्या करना है, चाय पी लेना है टाइम से चाय पी लेना, और कुछ आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाना है, बस यही साधना है। लेकिन वास्तविक तो साधना है गाना, भगवान का जस गाना, गीत गाना, नाम गाना और नाचना, ये धर्म है। कली काले धर्म नाम संकीर्तन सार, कलयुग में एक ही धर्म है, भगवान के नाम का कीर्तन, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी से जीव ठीक होंगे। वैसे ऐसे बहुत दवाइयां हैं, मान लीजिए किसी फार्मेसी में बहुत दवा हो
लेकिन सबका डेट एक्सपायर कर गया हो, कई साल बीत गया हो, तो दवा बेकार होती है। जिसका डेट अभी लिखा हुआ कि इस डेट को दिया जाए, इस डेट पर दिया जाएगा, तो उसको खाने से फायदा होता है। अब योग, ज्ञान, कर्म, दान, तप, उपवास, ये सब का फल एक्सपायर कर गया है, ये कहीं दवाई काम करेगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उद्धव जी जब गोकुल के गांव की गली में पैर रखे तो उस भूमि के स्पर्श से ही भाव बदलने लगा, जैसे बिजली का करंट छुए आदमी तो तत्काल शरीर में स्पंदन होता है, दूसरा ही स्थिति होती है। वैसे ब्रज भूमि में प्रवेश करने से ही प्रेम समझ में आता है क्या प्रेम है, और उस भूमि का प्रभाव आज भी है। महानास्तिक से नास्तिक व्यक्ति हो, कर्कश दिमाग वाला, बुद्धि वाला, हृदय सूखा, लेकिन वह भी यदि कृष्ण बलराम मंदिर में शाम की आरती देखता है तो एक और ही भाव भर जाता है। ऐसे नास्तिक भी नाचने लगते हैं, कीर्तन इतना अच्छा होता है और भक्त लोग नाचते रहते हैं तो वो भी कम से कम बाँह ऊपर करना इस तरह से करने लगता है। ये बातें देखी जाती है, और रोज रोज ये सब आरती होती है, रोज नया उत्सव। या बांके बिहारी जी को देखे, उसमें कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो देखना नहीं चाहेगा, देखेगा। बीच बीच में पर्दा आ जाता है तो इससे और उत्सुकता बढ़ती है, सभी लोग देखते हैं देखते हैं देखते हैं। ये है भक्ति, यह नहीं कि चुपचाप मुर्दा की तरह बैठ जाओ, सो जाओ, कुछ बोलो नहीं। नहीं बोलना ये मृतक का लक्षण है या गूंगा का लक्षण। भगवान का नाम नहीं बोला, गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं किया, तो ये जीवन सब बेकार है, वास्तव में किसी काम का नहीं। ये उद्धव जी ऐसे नहीं थे कि सूखे हृदय वाले, सूखे हृदय वाले इस समय मिलते हैं ज्यादा लोग, और खास करके साधु भेष में सूखे हृदय वाले, उनके लिए रत्नाकर जी कहते हैं, ज्ञान मारतंड के सुखाए मन मानस को, सरस सुहाए घनश्याम करीबे लगे। घनश्याम का अर्थ है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण हृदय में छाने लगते हैं वृंदावन जाने पर, और घनश्याम छाएगा बरसेगा तो सरस हो ही जाएगा हृदय। इन्हें मायावादियों का बहुत प्रभाव रहता है, और तो लोग भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहते, इतना अभिमान होता है क्या। ज्ञानी लोग जो इस समय भगवान को जानते हैं, बल्कि भगवान ही हो गए तो भगवान को कैसे प्रणाम करें। ये सन्यासी लोग बड़े ही भ्रष्ट बुद्धि वाले हैं, दुनिया पूजती है ये सन्यासी हैं, लेकिन भगवान की भक्ति का जीरो भी नहीं है। उसी पर रत्नाकर जी आक्षेप कर रहे हैं, ज्ञान मारतंड के सुखाए मन मानस को, सरस सुहाए घन श्याम करने लगे। जो श्री कृष्ण अन्य स्थान से समझ में नहीं आते हैं, वो ब्रजमंडल में जाने पर वहाँ से समझ में आ जाते हैं। मथुरा में रह करके भी उद्धव जी श्री कृष्ण को नहीं समझे। कहाँ है रुमाल, लेकिन ब्रज में जाने पर समझ गए। तो उद्धव जी आए हैं, इसकी खबर धीरे धीरे मिलने लगी ब्रज के गांव में, तो श्री गोपियाँ
आती है जगह जगह से, इसका वर्णन वे करते हैं। पृष्ठ 29 पर 28 38 नंबर का श्लोक है। धाई धाम धाम ते आवाई सुनी उद्धव की, धाई धाम धाम ते आवाई सुनी उद्धव की। धाम धाम से, धाम मतलब अपने अपने घर से, गांव से दौड़ करके आई। कई गांव हैं गोपियों के जहाँ उनका विवाह हुआ था, कहीं कहीं पर उनका नैहर था, तो जहाँ तहाँ से दौड़ करके आने लगे। आवाई सुनी उद्धव की, उद्धव का आगमन सुन करके प्रियतम के सखा आए हैं तो आने लगी। बाम बाम लाख अभिलाखनी सो भोए रहे। बाम बाम मतलब प्रत्येक ब्रज स्त्री आने लगे और मन में लाख अभिलाषा भर करके कि ये पूछूंगी, ये कहूंगी, ये कहूंगी, कैसे होंगे प्रियतम, कब आएंगे, कब आएंगे, हमारी चर्चा किए कि नहीं, हमारी चर्चा किए कि नहीं। तो वही अभिलाषा मन में लेकर के आ रहे हैं।